सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ही लिया है, आज के सिनेरियो में टॉपिक कवर करने वाले हैं कावासाकी निंजा 400। लेकिन अगर आप लोगों के पास निंजा 300 है या 650 है या फिर ZS-10R है, सबकी जो है फिटिंग अपने पास मिल जाएंगी, सबकी एक्सेसरीज मिल जाएंगी, क्रैश गार्ड हो, फ्रेम स्लाइडर हो या फिर ऑल अबाउट मॉडिफिकेशन हो, तो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर खोल रखी है कावासाकी निंजा 400। इसके फेयरिंग यहाँ पर निकाल रखे हैं जो कि ब्रांड न्यू बाइक है, ये कुछ इस तरीके से है। और भाई यहाँ पर इसमें लगाने वाले हैं कुछ नीडफुल इसकी ज़रूरतें जो ज़रूरी हैं। सबसे पहले क्या दिखा रहे हो उसमें, ये इसकी फ्रेम स्लाइडर की पूरी किट है जो कि प्रॉपर फिटिंग के साथ है। ये देखो भाई, मुझे लगा इसमें सेब निकालोगे तुम। गाइस का आप चेक करो लुक कितनी प्रीमियम है, तो प्रॉपर CNC में है, कहीं नहीं जाने वाला भाई, बहुत ही हैवी है। तो ये इसकी फिटिंग हो गई, एक ये इस साइड की फिटिंग हो गई, एक और चीज़ इसमें निकालना है, ये इसके ये क्या चीज़ है जी, ये इसके बुश हो गए जी, ये बुश हो गए, ये आगे इसकी मेन यूनिट, ये स्लाइडर है, ये इसके आ रहे हैं गाइस स्लाइडर, और ये प्रॉपर इसी की स्लाइडर, ये नट बोल्ट है यार, धोखा, ये नट बोल्ट आ गए जी, ये है इसमें सेफ। लो जी, ये आ गया इसका स्लाइडर, यार देखो कितने प्रीमियम है भाई। तो ये सब इसमें लगेंगे, और ये आपको बता दूं गाइस इसकी जो फिटिंग है ना, ये दूसरा सेट आ गया इसका। लो जी, तो इसको फिट करने वाले हैं, और ये कैसे लगेगा एक बार दिखाना ज़रा। तो गाइस ये प्रॉपर इसी की है, ये चेक करो, ये इसकी फिटिंग आ गई, ये पहले टाइट हो जाएगी, फिर फेयरिंग लगेगा, फिर उसके ऊपर से आराम से स्लाइडर लग जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। स्लाइडर रखाना है, ऐसे रख के दिखाना एक बार, ये कुछ इस तरीके से आएगा और भी लॉन्ग होगा ये। हाँ, ये बुश लग के ना ये उसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हो गया, इसके अलावा यहाँ पर रेडिएटर ग्रिल लगा रखी है, और अगर आप लोगों को मिरर लगवाना है, मिरर भी दिखाना है एक बार, तो ZS-10R वाले इसमें स्टाइल वाले मिरर लग जाएंगे, क्योंकि ये इसके स्टॉक मिरर हैं जो बहुत ही हैवी होते हैं ये भी, लेकिन ये जो है अपने आप में एक अलग लुक दे देते हैं, एक बल्कि लुक दे देते हैं अगर आप ये लगवाना चाहते हो तो। एक बार इसको रख के दिखाना। हाँ, तो ये इस तरीके से लगेगा, इसमें इंडिकेटर भी होता है, तो इसमें इंडिकेटर मिल जाता है आपको जो इस वाले में नहीं मिलता है। और ये अपने 10R है, कुछ इस तरीके के मिरर होते हैं, तो ये इस तरीके से लगेंगे। और क्या चीज़ है जी? हाँ, रेडिएटर ग्रिल हो गई, एक बार फोर्क स्लाइडर और दिखा दो उसमें जो लगाने वाले हैं। तो सस्पेंशन की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ फोर्क प्रोटेक्टर लगा रहे हैं, इसमें कलर काफ़ी सारे मिल जाएंगे। ये कौन सा कलर है? ये ब्लैक है। इसमें अगर आप लोगों को ग्रीन लगाना है, एक बार ग्रीन भी दिखाना, तो ये ब्लैक है जी, ये लगेंगे। ग्रीन रखकर दिखाना, एक बार लुक कैसा आ रहा है, ऐसे ही दिखा दो दूर से। तो ये ग्रीन होगा, तो भाई अपनी बाइक के हिसाब से देख लेना, अगर आप लोगों के पास ब्लैक है तो ब्लैक लगा लो, ग्रीन है ग्रीन, हरी नीली पीली गुलाबी कत्थे जो लगवाने लगवा लेना। अब इसमें इंस्टॉल करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं लुक। इसमें लीवर गार्ड भी लगाने वाले हैं, एक बार लीवर गार्ड दिखाना। अच्छा, ये टैंक पैड भी लगेगा, ये टैंक पैड हो गया, बाकी थाई पैड्स भी लगवाने तो वो भी मिल जाएंगे। लीवर गार्ड भी काफ़ी सारे हैं अपने पास, देखो भाई इस पर लीवर गार्ड ये वाले आते हैं, ये भी हैं, ये भी मिल जाएंगे। और अगर आप ये लगवाना चाहते हो चोकस वाले, तो ये भी मिल जाएंगे। ये आ गया इसके लीवर गार्ड्स। लो जी, इसमें तो ब्लू निकाला है, और भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे कलर भाई। ये देखो काफ़ी प्रीमियम है यार ये भी, है ना, तो ये लगेगा। एक बार इसको रख के दिखाना, ये मेरी 10R में भी लगा हुआ है, सेम ही। हाँ, ब्लैक ही लगवा दूंगा। लो जी, अभी ये कलर आपको दिखा रहा हूँ मैं इसलिए कि इसमें कलर और मिल जाएंगे, ब्लैक मिल जाएगा, ग्रीन भी मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा फिट कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं तो फाइनल रिजल्ट कैसा आता है। बाकी ये चेक कर लो खुली हुई कैसी लगती है यार, ये देखो गाइस इस तरीके लगती है खुलने के बाद आपकी 400। तो गाइस ये चेक कर सकते हो, इसकी फिटिंग लग चुकी है, केसिंग लग गई है इसकी। अब इस पर लगेगा स्लाइडर इस जगह पर, उससे पहले से कर देते हैं फिट, क्योंकि स्लाइडर लगाने के लिए अब यहाँ से लग जाएगा। देखो ये आ गई इसकी फिटिंग, ये है जेन्युइन फिटिंग गाइस। अभी क्या है, मार्केट में काफ़ी सारे लोग इसको कुछ भी कर रहे हैं, जिसमें कस्टमर की जो बाइक है उसकी तो ऐसी तैसी हो जाती है, फिटिंग की वैसे तैसी हो जाती है। अब ये देखो गाइस, इसे कहते हैं प्रॉपर काम भाई, इसे कहते हैं फिनिशिंग वाला काम। ये देखो गाइस, अब इसी तरीके से जब ये प्रॉपर फिटिंग हो जाएगी ना इसकी, और ये पूरी बाइक तैयार हो जाएगी, इसके जो फेयरिंग वगैरह सब एड ऑन हो जाएंगे, तब इसमें आएगा लुक। तो इसी तरीके से आप यहाँ भी देख लो, इसकी फिटिंग हो चुकी है ये, तो ये प्रॉपर है भाई, स्पेशली बनवाई हुई है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये देखो, अब इसको भी कंप्लीट करते हैं फिर दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो चुकी है कंप्लीट, और इसमें जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई वो सब यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा भी काफ़ी सारे एक्सेसरीज है, बाकी आप लुक चेक कर लो फाइनल। यहाँ पर कुछ ये वाला आ रहा है, देखो स्लाइडर लगने के बाद अंदर फिटिंग इसकी लग चुकी है, केसिंग जिसको बोलते हैं, बाकी ये वाला लुक है। अगर आप यहाँ से भी देख रहे हो तो कुछ इस तरीके से लगेगा भाई, ज़्यादा बाहर भी नहीं है, और फुल्ली सेफ्टी वाले की प्रीमियम टच इसमें आ चुका है। इस एंगल से भी चेक कर लो एक बार, स्लाइडर आप चाहो चेंज भी करा सकते हो, लेकिन भाई ये इसका सेट है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये इस साइड से भी देख लो एक बार, ये हो गया स्लाइडर इसके, और ये हो गया फोर्क स्लाइडर जो कि ब्लैक कलर का लगाए हैं। सस्पेंशन वगैरह डैमेज होता है, फ्यूचर में मान लो बाइक गिरती भी है कुछ होता है, तो ये सब चीज़ें आपकी सेफ रहती हैं, और डिस्प्ले वगैरह पे भी कोई स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं आता, तो ये काफ़ी यूज़फुल वाली चीज़ है। इसका नाम है फोर्क स्लाइडर, फोर्क प्रोटेक्टर कहते हैं इसको। अंदर यहाँ पर लगा रखी है रेडिएटर ग्रिल, ये तो बाकी से काफ़ी सारी चीज़ें आपको और भी मिल जाएंगी।
तो ये तो हो गया इसका फाइनल रिजल्ट आपकी जो है निंजा 400 का, इस एंगल से भी चेक कर लो।